दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल एक वीडियो मैं लेकर आया था जहाँ पे आपको मैं यहाँ पे दिल्ली के मुखर्जी नगर के नेहरू विहार के जहाँ पे क्लासेस चलती हैं वहाँ की मैंने कुछ फुटेज शेयर की थी कि क्लासेस कहाँ चलती हैं, क्या चलती हैं। आज मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि अदर ये जो वर्धमान प्लाजा है वो कल की वीडियो में आपने आधा देखा था, कम देखा था। आज मैं यहाँ पे अल्टरनेटिंग लर्निंग सिस्टम ALS जो कोचिंग है, दृष्टि IAS हो गया, ऐसी बहुत सी यहाँ पे कोचिंग है, उनके फुटेज को आज दिखाने जा रहा हूँ और ये बताऊँगा, कोना कोना आपको दिखाऊँगा कि बच्चे यहाँ पे तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो मैं अभी दिखा पा रहा हूँ आपको, ये सारा यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, कुछ खाने पीने के भी सामान। ये देखिए, ये दृष्टि IAS का यहाँ पे आपको क्लासरूम नंबर 8, 9, 10 है और यहीं पे टेस्ट सीरीज भी है दृष्टि IAS का। जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं दृष्टि IAS की, वो यहीं पे आके टेस्ट लिखते हैं, PTK भी देते हैं और ये बेसमेंट में जाके। ठीक है, मैं आपको लिए चलता हूँ धीरे धीरे दूसरी ओर भी। कल जो आपको फुटेज नहीं दिखा पाया था, ये देखिए, ये नीचे की ओर मैं बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सी कोचिंग, ऐसा नहीं आपको सोच रहा होगा कि भैया यहाँ पे सिर्फ दृष्टि IAS है, यहाँ पे ALS भी है और यहाँ पे धेय IAS भी है, बहुत से ऐसे कोचिंग। अब मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ ये, और ये ALS जो है, ALS का वर्कशॉप है यहाँ पे, और ये देख सकते हो आप ALS का वर्कशॉप नीचे जाके है। ये देखिए, ये इस तरह से देखिए, इसकी जो रूपरेखा है वो बनाई गई थी मॉल को लेकर। ये देखिए, बेसमेंट था, मुझे लग रहा है ये पार्किंग से रिलेटेड था, जिसे ALS ने यहाँ पे कैप्चर किया और आगे चलकर ये ALS ने यहाँ पे कोचिंग खोल दिया। मैं दूसरी साइड लिए चलता हूँ, देखिए पतंजलि IAS का उधर बोर्ड लगा रखा है, ये देखिए आप, पतंजलि IAS का ये बोर्ड लगा रखा है, यहाँ पे पतंजलि IAS की भी कोचिंग चलती है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी ओर लिए चलता हूँ। ये देखिए, कुछ लोगों ने कहा था ओजांग का ये, इसका भी आप दिखाओ क्या है, कैसे है। ठीक है, वो भी आज मैं इसमें कवर करूँगा। देखिए लक्ष्य लाइब्रेरी और यहाँ पे चीज़ें, ये देखिए दूसरी ओर, जब अभी कोचिंग क्लासेस रहती थी तो यहाँ पे एकदम, देखिए लाइब्रेरी भी है संस्कृति IAS कुछ इस तरह से, और जब यहाँ पे कोचिंग क्लासेस चलती थी, देखिए यहाँ सुबह सुबह शॉप ओपन हो गई है, और यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान भी, सुबह सुबह में जो बच्चे लाइब्रेरी आते हैं, सुबह सुबह की सी साइड की क्लासेस होती हैं उनके लिए यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है, हम मैं दूसरी ओर आपको लिए चलता हूँ। देखिए, ये देखिए ओजांग का IAS, पहले ओजांग का IAS की जो क्लासेस थी वो यहाँ शायद चला करती थी, और यहाँ पे कुछ इस तरह से माहौल है। ये देखिए लाइब्रेरी है, कुछ आपको लिए चलता हूँ दूसरी ओर, चावला पेस्ट्री ये क्लासेस की ओर। देखिए यहाँ पे सारी क्लासेस भी हैं, शॉप भी हैं खाने पीने की। ठीक है, अब मैं आपको लिए चलता हूँ दूसरी ओर। देखिए देखिए, ये जो एरिया मैं कवर कर रहा हूँ, ये देखिए, ये जो एरिया है, ये पीछे हटकर आपको नेहरू विहार आ जाएगा, जहाँ पे बच्चे रहते हैं। इन द सेंस कि जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो रहने का भी ठिकाना कुछ ढूंढना होता है, तो ये इसके पीछे की ओर, इसके पीछे की ओर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे रहते हैं और यहाँ पे रह के रूम लेते हैं, PG लेते हैं, जिस हिसाब से जो भी अपना रहने का बंदोबस्त करना होता है वो करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ आपका, ये देखिए वर्धमान, ये मॉल था, एक मॉल टाइप का था जिसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो जगह यहाँ पे कैप्चर की गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बच्चे, धीरे धीरे मैं आपको ले चलता हूँ नेहरू विहार की गलियों में ले चलता हूँ कि बच्चे रहते कहाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये गलियाँ हैं जहाँ पे नेहरू मुखर्जी नगर में बच्चे यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये कुछ इस तरह से गलियाँ हैं, सकरी सकरी बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, बहुत छोटे छोटे रूम में यहाँ पे बच्चे रहने पर देखिए ये इस तरह से गलियाँ हैं, और इस तरह से छोटे छोटे अंदर जाके रूम होते हैं जहाँ पे बच्चे अपने ज़िंदगी को काटते हैं, महत्वपूर्ण पल, जवानी के कुछ महत्वपूर्ण पल को देते हैं, और यहाँ पे UPSC क्लियर करके फाइनली अपने ड्रीम को पाते हैं, एम को पाते हैं, और लवासना के फाइनली अपने टारगेट को पाते हैं। ये देखिए किस तरह से छोटी छोटी गलियाँ हैं। ठीक है, मैं आपको लिए चलता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भी ले चलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये छोटी छोटी गलियाँ, देखिए ये बिल्डिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बच्चे अपने, देखिए इन सारे, मैं जो घर यहाँ पे सारे घर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे रेंट पे रूम लेते हैं, हर जगह आपको यहाँ पे बच्चे ही दिखेंगे। ठीक है, लैंडलॉर्ड नीचे रहते हैं, ऊपर बच्चे रहते हैं, लैंडलॉर्ड हर यहाँ पे यही सीन बन रखा है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको लिए चलता हूँ, मैं आगे की ओर तेज़ी से लिए चलता हूँ ताकि आपका, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से, मैं आपको दूसरी ओर ये चलता हूँ। चलिए मैं आपको दूसरी ओर कवरेज कर रहा हूँ, आज कवरेज कर रहा हूँ तो ये दिखाना
बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार बच्चे तैयारी कैसे करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ये निकला है और ये कुछ इस प्रकार से है, दिखता है। ये देखिए कल की मदर डेयरी तो ये रही, और मैं आपको आगे लिए चलता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ वाली शॉप है। यहाँ जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर वाले और भी सारे थोड़े से खाने पीने वाले अपने सामान रेडियो पे लगाते हैं ताकि उनका बिजनेस भी चल सके, और बच्चे इधर से यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ कि बच्चे आते कहाँ हैं। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से होते हुए, यहाँ से कवरेज होते हुए अंदर चले जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारे ये देख रहे हैं, GS वर्ल्ड, पतंजलि IAS, जितने बोर्ड लग रखे हैं ऐसा लग रहा है कि सब्जी की कोई दुकान है। लगातार छोटे छोटे बड़े बड़े बोर्ड भी आपको देखने, छोटे से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको मैं लिए चलता हूँ दूसरी ओर। आपको ये देखिए यहाँ पे ये सारी जो मैं गलियाँ दिखा रहा हूँ, ये इतनी भीड़ हुआ करती थी। सुबह का वक्त है अभी और इतनी भीड़ हुआ करती थी जब क्लासेस चलती थी। मुझे आशा उम्मीद है दिवाली के बाद आपको ये भीड़ फिर से देखने को मिलेगी जो लोग अभी घर पे हैं। ये देखिए यहाँ से ये सारा एरिया जो कवर करता है सारा, यहाँ पे बच्चे अपने रूम रेंट लेकर, PG लेकर यहाँ पे अपना तैयारी करते हैं। अब मैं लिए चलता हूँ दूसरी ओर, यहाँ पे मुखर्जी नगर का ये एरिया, नेहरू विहार का है, यहाँ पे मैं दूसरी ओर आपको लिए चलता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये आगे का कुछ नज़ारा होता है, आपने और वीडियोज़ में भी देखा होगा। ठीक है, आगे का नज़ारा क्या कैसे कवर करता है। यहाँ पे सारे बच्चे इस तरह से जाते हैं, ये जो रोड है इसी रोड से गुजरते हुए अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर बढ़ते हैं और सफलता हासिल करते हैं। वो एक एक दिन की मेहनत मिलाकर साल होते हैं और सालों की मेहनत रंग लाती है, कुछ इस प्रकार से आपने और भी वीडियोस में देखा होगा। यहाँ से ये आपका कुछ पुल टाइप का बनाया गया है, यहाँ से बच्चे ये देखिए कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिखता है, आप देख सकते हो। ये देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दिखाता हूँ, इधर से फिर से एक व्यू देता हूँ। देखिए ये कुछ इस प्रकार से किंदाना आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको अगली ओर से दिखाता हूँ और एक बार कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भी बढ़ता हूँ, दूसरे एरिया की। बहुत से छोटे छोटे मोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आइए तो छोटा नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट को आपने कल नहीं देखा था जो आज मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप देख सकते हो। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। चलिए मैं ज़्यादा समय ना लेकर देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ता हूँ, और ये अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे टीचर्स रहते हैं, आपको दिखा दूँ। ये कुछ इस प्रकार से है, चलिए ये देखिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ, आगे लिए चलता हूँ। चलिए ये देख सकते हैं आप, ऐसे में सुबह का मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। और आपको ये फुटेज दिखाने का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले कि आप भी अपनी तैयारी को, चाहे घर से कर रहे हो चाहे कहीं से भी कर रहे हो, तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माहौल आपका घर जैसा भी होता है। ठीक है, आप घर पे कर रहे हो यहाँ कर रहे हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कितनी क्वालिटी स्टडी आप कर रहे हो। ठीक है, कितना अच्छे से अपनी स्टडी को दे रहे हो, मैटर ये करता है। ठीक है, चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ और भी क्लासेस की ओर, और दिखाता हूँ क्या है माहौल मुखर्जी नगर का, यहाँ पे बच्चे अपनी तैयारी के सालों को देते हैं और यहाँ से सक्सेस पाते हैं। ठीक है, ये देखो कुछ इस प्रकार से। चलिए मैं आपको डायरेक्ट लिए चलता हूँ, आज और भी इंस्टीट्यूट को कवर करता हूँ, और चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ नीचे बेसमेंट की ओर, जो कल इंस्टीट्यूट के दर्शन आपको नहीं हुए थे, लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि अच्छा लगा इसको देखकर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इक्के दुक्के बच्चे यहाँ पे दिख रहे होंगे, लेकिन अभी माहौल, चलिए मैं आपको देखिए क्लासरूम दृष्टि, और ये देखिए ये तो कल आपने देखा होगा। ठीक है, ये तो सीढ़ियाँ थी। चलिए मैं आपको ऊपर दूसरे बेसमेंट की ओर लिए चलता हूँ। ये देखिए मैं
आपको आज ऊपर से थोड़ी कवरेज दे रहा हूँ ताकि आपको भी देखिए इस तरह से कुछ माहौल है। ठीक है, इस तरह से कुछ माहौल है। चलिए मैं एक बार ऊपर दिखाता हूँ, और कल भी दिखाया था लेकिन आज दिखाने का जो मकसद है वो कुछ और है। आपको एक चीज़ लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आज शायद ये ओपन है। ये देखिए ये सारी लाइब्रेरीज थी, और ऊपर आप देख सकते हो ऊपर ये दृष्टि आई एस का है, इधर भी दृष्टि आई ए एस का ही है। ठीक है, एक बार चलता हूँ नीचे, उसके बाद और कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, हम आप देख सकते हो ये वही पुराना दृष्टि आई एस का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट देख सकते हो आप, गंगा सिंह हो गए, निशान सिंह, निशान जैन हो गए जो कि 13वीं रैंक थी, अभी तक की रिसेंट की सबसे अच्छी रैंक है, और वैसे तो 3री रैंक हिंदी मीडियम से है, 5वीं भी है, 10वीं भी है, 13वीं भी है, फिर से 13वीं और 33वीं रैंक है। ये टॉप रैंकर्स हैं हिंदी मीडियम से।